हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अविनाश कुमार अस्थाना, जीएस एक्सपर्ट। आज हम आपसे फिर करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। आपका तिवारी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स है। व्यवहारिक रूप से देखें तो करंट अफेयर्स के बारे में इस समय ज़्यादा चर्चाएँ तो सिर्फ कोरोना वायरस की चल रही हैं, जिसे कोविड कहा जाता है, कोविड-19, ठीक है ना, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हम इसका पिछले का कुछ करंट अफेयर लेते हैं, क्योंकि इस करंट अफेयर की वजह से सभी प्रकार की मीटिंग्स, जितने भी आपके सबमिट्स होनी थी, वो सारी सबमिट्स आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई हैं। अब इनका निर्णय आगे हर देश की सरकार और हमारे देश की सरकार परिस्थितियों को देखते हुए लेगी। तो देखते हैं कुछ चीज़ें जो पोस्टपोन हुई हैं, जो होनी थी, तो हो सकता है संभवतः इन क्वेश्चन से कुछ बन सकता हो। तो हम देखेंगे, जो पहला है कि 2021 में पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में एशियाई युवा खेलों का जो आयोजन था, ये चीन को करना था। इसमें कहा जाता है खेलों का जो आयोजन है, तो इसमें होस्ट देश कौन था, तो इसमें होस्ट देश ये चीन को रखा गया था। होस्ट इसमें चीन है, जो 2021 में एशियाई युवा खेल होंगे, इसमें होस्ट के रूप में चीन है। लेकिन अब ये भी संदिग्ध है, संभवतः ये बदल सकता है, इसलिए फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। 2021 में एशियाई युवा खेलों का जो होस्ट कंट्री है वो आपका चीन है, फिलहाल अभी यही है, ठीक है ना। आगे इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है ये भी चीन से ही उत्पन्न हुआ है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैकिंग करने के लिए एक ऐप जारी की है। उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है आरोग्य, ठीक है ना। उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। ये एक ऐप लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक ऐप जारी की गई है, जो है आरोग्य सेतु। अब ये कोविड-19 क्या है, कोविड-19, मैंने कोरोना वायरस पे पूरा वीडियो भी डाल रखा है, आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, दहशत का दूसरा नाम कोरोना वायरस, ठीक है ना, इस नाम से वीडियो पड़ा हुआ है, अब ये देख लेंगे। उसमें कोरोना वायरस के बारे में महत्वपूर्ण सभी बातें हैं, ठीक है। अब बाकी ये कोविड-19 ये WHO द्वारा कोरोना वायरस को ये नाम दिया गया है। ध्यान रखिए, कोई ये वायरस वगैरह नहीं है, कोई जीवाणु टाइप की चीज नहीं है, ये कोविड-19 जो है ये WHO ने कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 रखा है। कोविड तो को मतलब होता है कोरोना, इसका फुल फॉर्म है, को से हो गया कोरोना, VI से हो गया वायरस, VI से वायरस और D से डिजीज, ठीक है ना। तो इस प्रकार बना कोरोना वायरस डिजीज, इसलिए इसका नाम कोविड और ये 19 उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। तो कोविड-19 ये इसका फुल फॉर्म है, कोरोना वायरस डिजीज, तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस के लिए एक ऐप जारी की गई है, आरोग्य सेतु नाम से ऐप जारी की गई है, ठीक है ना। अब इसी में कोरोना वायरस से संबंधित एक ट्रैक सूट है, जो ये इसको बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा ट्रैक सूट को, इस पे बोलेंगे एक सूट तैयार किया गया है। सूट मतलब होता है इसे ड्रेस, जिसे आपने देखा होगा पूरी ऊपर से नीचे तक कवर है, एक सूट है, तो वो तैयार किया गया है, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत, इसको ऐसे लिखा है का व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कवच, ये एक तैयार किया गया है,
ठीक है ना, एक सूट है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कवच, ये तैयार किया गया है। ये किसने तैयार किया है तो ये आप याद रखिएगा, ये DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। एक सूट तैयार किया गया है जो कोरोना वायरस से, जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं या जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे कोरोना से पीड़ित क्षेत्रों में जाते हैं अपने किसी उद्देश्य के लिए, किसी कार्य मतलब बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए, तो वो उस सूट को धारण करते हैं या पहनते हैं। उस सूट को DRDO द्वारा तैयार किया गया है, तो ये आप देख लेंगे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। ये सामान्य प्रश्न है। इसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में एक प्रश्न और है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में नासा ने, ठीक है ना, नासा ने, नासा नासा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा ने सूर्य पर, ठीक है ना, सूर्य पर जाने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। एक इसको बोलते हैं सूर्य मिशन, सूर्य मिशन यानी सूर्य मिशन इसने एक लॉन्च किया है। नासा ने हाल ही में नासा ने एक सूर्य मिशन लॉन्च किया है। इस सूर्य मिशन का नाम उसने क्या रखा है, इस सूर्य मिशन का नाम उसने क्या रखा है, तो इसका नाम उसने रखा है सनराइज, याद रखेंगे, इसका नाम उन्होंने रखा है सनराइज, ठीक है ना, सनराइज सूर्य मिशन का नाम है। ये मिशन है जो सूर्य पर जाएगा और सूर्य के आसपास ये कक्षाओं में चक्कर लगाएगा और वहां पर उसकी सूर्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं वगैरह होंगी ये नासा को प्रेषित करेगा, ठीक है ना। सनराइज जो है इसका इन्होंने फुल फॉर्म भी बना रखा है, ये है सन रेडियो, सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, ये सनराइज का इन्होंने फुल फॉर्म भी शो किया है कि सन हो गया सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस और इसे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये इन्होंने इसका फुल फॉर्म भी है, ठीक है, तो ये इन्होंने एक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि ये इसी में देख लेंगे, जो नासा है, नासा ये इस एक इसकी स्थापना जो है ये 29 जुलाई, ये ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई 1958 में, 1958 में नासा की स्थापना जो है, स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी और इसका एक मोटो था, मोटो मतलब उद्देश्य होता है, तो एक टैगलाइन दी गई थी फॉर द बेनिफिट ऑल, इसका मोटो था फॉर द बेनिफिट, बेनिफिट फॉर ऑल, ये इसका मोटो है नासा का, फॉर द बेनिफिट ऑल, ठीक है, बेनिफिट ऑल ये इसका मोटो, इसका मोटो है, ठीक है ना। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये याद कर लीजिएगा, संभवतः शायद पूछ लें, इसका इसके अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन है, ब्रिडेनस्टाइन ये इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूएनओ में, इसको नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे कि यूएनओ ने अभी कोप 26, ये जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट है, जलवायु परिवर्तन पर की जाने वाली सम्मिट है कोप 26 पर्दे का शिखर सम्मेलन का आयोजन 2021 में किस शहर में किया जाएगा, इसका आयोजन 2021 में किस शहर में किया जाएगा, ठीक है, तो 2021 में ये इसका जो कॉन्फ्रेंस है ये ग्लासगो में किया जाएगा, ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ग्लासगो ये स्कॉटलैंड में पड़ता है,
ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है। 2021 में इसका सम्मेलन ग्लासगो में किया जाएगा। एक्चुअल ये 2021 किया गया है, इसका भी 2020 में नवंबर में होना था। ये एक्चुअली नवंबर 2020 में ये होना था, नवंबर 2020 में होना, लेकिन कोरोना की बीमारी जो महामारी फैली है, इस महामारी के चलते ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो यानी कि 2020 से अब ये 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, G20, ठीक है ना। कोप है, कोप का फुल फॉर्म ये ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये कोप का फुल फॉर्म है। और ये भी प्रश्न एक सामान्य पूछा आता है, कोप का संबंध किससे है, तो कोप का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी शिखर सम्मेलन होता है वो कोप के अंडर में होता है, ठीक है ना। और भी जलवायु परिवर्तन के समूह होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन कोप भी उसमें एक है। तो कोप का संबंध जलवायु परिवर्तन से, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब G20 के जो G20 की भी सम्मिट होनी थी, ठीक है ना, ये सम्मिट होनी थी सऊदी अरब, ये कहाँ होनी है, सऊदी अरब में इसकी बैठक होनी है। G20 की जो बैठक है सऊदी अरब में होनी है। ये जो बैठक है, ये बैठक भी 21-22 नवंबर 2020 यानी कि जो चल रहा है 2020 में, इसकी बैठक नवंबर में सऊदी अरब में होनी है, ठीक है ना। लेकिन अब ये हो पाती है कि नहीं हो पाती है, तो इसके बारे में सूचना नहीं है, लेकिन ये भी संदेह बना रहेगा कि ये हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो लेकिन ये इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इस पर नज़र रखिएगा। एक तो ये पोस्टपोन कर दी गई, इस पर अभी कोई सूचना जारी नहीं की गई है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और G20 जो है ये 20 देशों का संगठन है, जिसमें 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन है, इसको ईयू कहते हैं, ईयू। इसी के संबंध में ब्रेक्जिट मामला चल रहा था ब्रिटेन का, जिससे ब्रिटेन अलग हो गई, ठीक है ना। तो इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये मिलाकर 20 देश हैं। तो 20 देश हैं, इसलिए इसको G20 के नाम से कहा जाता है, G20 कहा जाता है। और ये सऊदी अरब में इसका आयोजन हो रहा है 21-22 नवंबर 2020 को, ठीक है ना। इस तरह से कुछ हमने देखे, कुछ और भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और करंट के ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। तो आज कहता देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। अगर इसमें आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।